हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड अड्डा चैनल। आज मैं एक अपने व्यूअर्स की डिमांड पे लाई हूँ, फ्राइड राइस और मंचूरियन। चाइनीज आइटम किसे अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो चाउमीन हो और चाहे फ्राइड राइस। तो इसे एक बार आप घर पे बना के जरूर ट्राई कीजिएगा और ये वाकई खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसे आप ग्रेवी का या विदाउट ग्रेवी का ही बना सकते हैं। मैंने आज जो बनाया है ये ग्रेवी का बनाया है, तो इसे आप घर पे बना के जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट के साथ मुझे जरूर बताइएगा। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक भगोने में पानी रखा है। पानी इतना होना चाहिए कि चावल उसमें डूब सके आसानी से, क्योंकि हम जो चावल बना रहे हैं वो हम भगोने में बना रहे हैं इसलिए। अब इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे और हाफ लेमन को स्क्वीज करेंगे। इससे जो चावल के दाने हैं वो खिले खिले बनते हैं, इसलिए आप चाहें तो इसकी जगह विनेगर का यूज भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें चावल को डालेंगे। ये मैंने 200 ग्राम चावल लिया है। जो चावल मैं यूज कर रही हूँ वो बासमती राइस है। इसे मैंने 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था और 10 मिनट के लिए इसे रख दिया था। अब हम इसे बीच बीच में चलाते जाएंगे और 90% कुक होने तक चावल को पका लेंगे। 7 से 8 मिनट के अंदर ही चावल कुक हो जाएंगे, या अगर नहीं तो चावल की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, इसलिए हमें चावल को 90% कुक होने तक ही पकाना है। इसके बाद हम इस पानी को ड्रेन कर लेंगे और चावल को एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसका हमने पानी ड्रेन करने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए फैन के नीचे रख देंगे, जिससे ये ठंडा हो जाएगा। इसके बाद हम इसकी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। आधे घंटे हो चुके हैं और जो हमने चावल रखे थे वो भी ठंडे हो गए हैं। अब इसे फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में 3 बड़े चम्मच ऑयल डाला है। इसमें अब आधा चम्मच जीरा, 3 से 4 फाइनली चॉप लहसुन, इसे हम डालने के बाद भून लेंगे। एक मीडियम साइज की हरी शिमला मिर्च, आधी कटी हुई लाल शिमला मिर्च, आधा गाजर, 7 से 8 बीन्स जिसे फाइनली चॉप कर दिया है। इन सभी को डाल के इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को बस हमें सॉटे करना है, बहुत देर तक नहीं पकाना है। 3 से 4 मिनट तक हम सब्जियों को कुक कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम फाइनली चॉप किया हुआ पत्ता गोभी ऐड करेंगे, 2 हरी मिर्चें। इन सभी को डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे भी हम अच्छी तरीके से पका लेंगे। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे, फाइनली चॉप की हुई हरी प्याज, फाइनली चॉप किया हुआ फ्रेश हरा धनिया, 1/4 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच सोया सॉस। इन सभी को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हमारे चावल बनके बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसे साइड करके मंचूरियन बनाने की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले मंचूरियन की बॉल्स बना के रेडी कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 1 बाउल ग्रेटेड पत्ता गोभी लिया है, फूल गोभी 1/2 बाउल लिया है मैंने, इसे भी फाइनली चॉप कर लिया है, 6 से 7 बीन्स को भी फाइनली चॉप कर लिया है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे, 1 गाजर जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, फ्रेश धनिया, फाइनली चॉप की हुई हरी प्याज, 2 फाइनली चॉप कटी हुई हरी मिर्च। ये ऑप्शनल है, या आप अपने अकॉर्डिंग इसे ले सकते हैं, आप कितना तीखा पसंद करते हैं। 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, रेगुलर खाने वाली चम्मच से 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर ऐड किया है इसमें, और इसी चम्मच से 2 चम्मच मैदा, 1/4 चम्मच अजीनोमोटो,
ये ऑप्शनल है, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, पर अगर चाइनीज फूड बना रहे हैं तो इसका टेस्ट इससे बहुत अच्छा आता है। मैं प्रेफर करूंगी आप इसे डाल के जरूर बनाइएगा। हाफ टेबल स्पून सोया सॉस, इन सभी को डालने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें उबले आलू को भी ग्रेट करके डाल सकते हैं या पनीर भी ग्रेट करके आप डाल सकते हैं इसमें। मैदा और अरारोट की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल सेम रहेगी, क्योंकि अगर मैदा ज्यादा हो जाएगा तो जो बॉल्स बनेंगी वो बहुत टाइट बॉल्स बनेंगी, और अगर अरारोट ज्यादा हो जाएगा तो वो फट जाएंगी, इसलिए दोनों की क्वांटिटी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। इसे हम अच्छी तरीके से बाइंड कर लेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसकी हम बॉल्स बनाएंगे। इस तरीके से हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना के प्रिपेयर कर लेते हैं। सारी बॉल्स बना के हमने प्रिपेयर कर ली है, अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तेल गरम हो जाने के बाद इसमें हम एक एक करके बॉल्स को ड्रॉप करेंगे और सुनहरा होने तक इसे फ्राई करेंगे। जब ये एक तरफ से हो जाएगी तब हम इसे पलट लेंगे। अभी बॉल्स गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, इसमें हम फाइनली चॉप्ड लहसुन डालेंगे, लंबे स्लाइस में किया हुआ 1 शिमला मिर्च, 2 हरी मिर्ची, इन सभी को डालने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद फाइनली चॉप किया हुआ हरा प्याज, फाइनली चॉप की हुई फ्रेश धनिया पत्ती, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ब्लैक सोया सॉस, आधा चम्मच टमाटो केचप, इन सभी को डाल के इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1 ग्लास नॉर्मल पानी डाल देंगे और 1 उबाल आने तक इसे हम पका लेंगे। जब इसमें 1 उबाल आ जाएगा तब इसमें हम 1 चम्मच अरारोट, जिसे मैंने पानी में घोल लिया है, इसे इसमें ऐड कर देंगे। इसे हमने इसलिए डाला है जिससे ग्रेवी में थिकनेस आएगी। एक से दो मिनट के अंदर देखिए ग्रेवी बिल्कुल थिक हो गई है। हम ग्रेवी वाला बना रहे हैं, इसमें हम पानी इसमें और ऐड करेंगे। अगर आप ड्राई बना रहे हैं तो इसे इसी स्टेज पर हम इसमें बॉल्स डाल देंगे, पर हम ग्रेवी वाला बना रहे हैं इसलिए इसमें पहले पानी और ऐड किया है। अब इसे हम 1 उबाल आने तक पकाएंगे। जब ग्रेवी में उबाल आ जाएगा तब हम इसमें बनी हुई अपनी बॉल्स डाल देंगे और इसे डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और इसे 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। अब ये बन चुका है, अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो हमारा मंचूरियन बनके बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। फ्राइड राइस और मंचूरियन बनके बिल्कुल तैयार है, और ये कैसा बना है ये आप जब घर पे बनाएंगे तभी आप मुझे बताएंगे कि कैसा बना है, और अपने कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और घर पे बना के एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।